जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मुकाबले का दूसरा टेस्ट, आपको बता दें बहुत शानदार तरीके से श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की फर्स्ट इनिंग के दौरान और सेकंड इनिंग में भी अच्छा कर रही है, और बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अभी श्रीलंका के पास 259 रन की लीड है। अब अगले दिन यानी कि डे 4 में देखना दिलचस्प है कि क्या बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को जल्दी आउट कर देगी या फिर यहाँ पर एक रनों का पहाड़ खड़ा कर देगी श्रीलंका की टीम, जिसको बना पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं। आप सभी को बता दें दोस्तों कि फर्स्ट इनिंग के दौरान 493 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 159 दूसरी गेंद तक, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य शायद ही चेस कर पाई और 159वें ओवर की दूसरी गेंद तक सामना करा था, सिर्फ 7 ही विकेट खोई थी और डिक्लेयर कर दिया था पारी को। करुण नरांटे और दोस्तों थ्रिमाने ने शतकीय पारी खेली, 190 गेंदों में 118 रन बनाए यहां पर करुणा रत्ने ने, और थ्रिमाने ने 298 गेंदों का सामना करते हुए 140 रन बनाए। वो तो शोरीफुल और इस्लाम इस खिलाड़ी ने करुणा रत्ने की विकेट ली, और यहां पर हमें देखने को मिला कि तस्कीन अहमद ने थ्रिमाने की विकेट ली। दोस्तों ये शानदार गेंदबाजी रही दोनों गेंदबाजों की तरफ से, क्योंकि जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी तो यहाँ पर तस्कीन अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की और इस्लाम ने भी अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद यहाँ पर थमा नहीं था सिलसिला। ओशाडो फर्नांडो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की तरफ से, 221 गेंदों में 81 रन की पारी ये भी खेल गए थे, ये शानदार गेंदबाजी रही दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मेहदी हसन ने इनकी विकेट ली, तो मैथ्यूस आए बल्लेबाजी करने के लिए, तस्कीन अहमद ने इनकी जल्दी विकेट लेकर इनको चलता कर दिया, लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि बल्लेबाजी चलती गई, क्योंकि लास्ट में डिक वेला ने 72 गेंद पर 77 रन की नाबाद पारी खेली, और 68 गेंद पर जब 33 रन बनाकर आउट हुए मैंडिस, तो पारी को घोषित कर दिया गया। तस्कीन अहमद ने दोस्तों फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट झटके 34 ओवर दूसरी गेंद तक 7 ओवर मैडन डाले थे, 127 रन दिए थे। हसन इस्लाम और तेजुल इस्लाम के खाते में 1-1 विकेट गया, लेकिन यहां 493 रन तो बना दिए थे बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 7 विकेट के नुकसान पर। अब बांग्लादेश को बनाने थे, अगर उनको लीड करना था तो अच्छे खासे रन बनाने थे, लेकिन बांग्लादेश की टीम तो 251 रन पर ही सिमट गई पूरी तरीके से फर्स्ट इनिंग में, जिसकी वजह से यहां बड़ा झटका लगा बांग्लादेश की टीम को। लेकिन दोस्तों आपको कुछ और अन्य फैक्ट्स बता दें क्या कुछ खास रहा इन पारियों में, तो इस सेकंड टेस्ट में दोस्तों हमने खास चीज़ ये देखी, तीसरे दिन पर जब शुरुआत में जब टॉस जीता था श्रीलंका ने तो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का भी मुकाबला चल रहा है टेस्ट का, वहाँ फर्स्ट जो मुकाबला रहा फर्स्ट डे का और जो फर्स्ट टेस्ट रहा वो जीता पाकिस्तान ने 116 रनों से, और एक इनिंग से ही वो मुकाबला जीत लिया। उसके पीछे की वजह ये रही कि जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करने आई थी, वो ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पैलेकेले में अच्छी पारी खेलते हुए 493 जितना लक्ष्य खड़ा कर दिया। सेकंड इनिंग में 400 से ऊपर गई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन यहाँ श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में ही अच्छा कर दिया। अब बांग्लादेश के दोस्तों बल्लेबाज सकभका गए कि वो करे तो करे क्या, यहाँ पर किसी ना किसी को तो दोस्तों या तो डबल सेंचुरी खेलनी थी या फिर दो बल्लेबाजों को कम से कम शतकीय पारी खेलनी थी, तो तमीम और सैफ हसन ने जिम्मा उठाया, और शुरुआती जो बल्लेबाज तमीम थे उन्होंने 150 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली और अपना काम करा 12 चौके की मदद से, लेकिन दूसरी तरफ से इनको साथ अच्छा मिला नहीं। सैफ हसन सिर्फ 62 गेंदों में 25 रन की पारी खेल पाए 4 चौके 1 छक्के की मदद से, उसके बाद इनकी विकेट दोस्तों यहां पर ले ली गई थी जाय विक्राना के दौरान, और शांटो फिराज बल्लेबाजी करने के लिए वो 0 पर आउट हो गए, और मोमिन अल बल्लेबाजी कर ही रहे थे, वो अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाए। दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि 104 गेंदों पर 49 रन वो बनाए, मैंडिस ने उनकी विकेट ले ली थी, उनका अर्धशतक तक कंप्लीट नहीं होने दिया। वहां पर दूसरी तरफ सैफ हसन और तमीम भी आउट हो चुके थे, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान यहां पर झेलने पड़ा बांग्लादेश की टीम को, और उसके बाद तो विकेट का सिलसिला जारी रहा। रहीम 40 रन बना पाए, लीटोन दास 8 रन बना पाए, मेहदी हसन दोस्तों 16 रन ही बना पाए, और तेजुल इस्लाम 9 ही रन बना पाए, तस्कीन अहमद जिन्होंने 4 विकेट ली थी वो 0 रन बनाए, और लास्ट में इस्लाम शोरफुल जो हैं उन्होंने भी 0 रन पर ही आउट होकर, उससे अगले बल्लेबाज थे वो अबू जयाद थे जो नाबाद खड़े रहे, क्योंकि दूसरे छोर पर कोई खिलाड़ी था ही नहीं। 10 विकेट यहां पर चटक गए थे बांग्लादेश के। सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों धनंजय दे सिल्वा ने की थी। धनंजय दे सिल्वा दोस्तों ये वही गेंदबाज है जिसने एक समय पर पोलार्ड के सामने 6 छक्के खाए थे।
अब देख लीजिए दोस्तों, धनंजय सिल्वा ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की वो शानदार रही, क्योंकि एक ओवर में सिर्फ 6 ही रन दिए, लेकिन दूसरी तरफ जाय विक्रमा ने दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हासिल करी। ये सबसे खास बात रही श्रीलंका की तरफ से। जाय विक्रमा दोस्तों ये वही गेंदबाज बने जिन्होंने 32 ओवर में 7 ओवर मैडन डाले, 92 रन दिए और 6 विकेट ले ली श्रीलंका की तरफ से बांग्लादेश के बल्लेबाजों की। बांग्लादेश की बल्लेबाजों को टस से मस नहीं होने दिया, जाय विक्रमा ने दोस्तों इनकी धारदार गेंदबाजी देख के सभी दुनिया चकित है। 6 विकेट चटकाई बांग्लादेश के बल्लेबाजों की, 6 विकेट। और मेंडिस ने 31 ओवर में 86 रन देते हुए 2 विकेट लिया और लकमल ने भी 10 ओवर में 30 रन देते हुए 2 विकेट चटका ही दी। दोस्तों ये खास बात रही, लेकिन अब यहाँ पर हमने ये देखा कि 251 रन ही बना पाए, जिसकी वजह से फर्स्ट इनिंग के दौरान ही अगर बात करें आंकड़ों की, तो अगर 493 को हम देखें यहाँ पर दोस्तों 251 से, तो करीब करीब 242 रन की लीड तो फर्स्ट इनिंग के दौरान ही हासिल कर ली थी श्रीलंका ने। अब यहाँ पर देखें तो 242 रन यानी कि फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश 251 पर ही लुढ़क गई, तो सेकंड इनिंग में लीड बहुत तगड़ी मिल गई यहाँ पर श्रीलंका के बल्लेबाजों को। इसी का फायदा दोस्तों इन्होंने यहाँ पर उठाया, लेकिन अब थ्रीमाने ज़्यादा टिक नहीं पाए, जिन्होंने पहली इनिंग में 140 रन की पारी खेली थी। सबसे ज़्यादा रणनीति बांग्लादेश के गेंदबाजों ने उनके खिलाफ बनाई और उनको बहुत जल्दी चलता करने का फैसला किया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये बल्लेबाज अगर जल्दी आउट हो जाता है तो श्रीलंका की गेंदबाजी और बल्लेबाजी तहस नहस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहुरा थ्रीमाने की विकेट सिर्फ 2 ही रन पर ले ली हसन ने, जिसकी वजह से बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा गई। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर करुणा रत्ने अभी भी नाबाद हैं और एंजेलो मैथ्यूज भी नाबाद हैं। दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज 10 गेंदों पर 1 रन का सामना कर बैटिंग कर रहे हैं और करुणा रत्ने भी 21 गेंदों पर 13 रन का सामना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 चौके की मदद से। फर्नांडो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन तेजुल इस्लाम ने 5 गेंदों पर 1 ही रन बनाया था इन्होंने और चलता कर दिया इनको। मेहदी हसन दोस्तों 4 ओवर में 2 मैडन ओवर डाल के 7 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं सेकंड इनिंग में श्रीलंका की, और तेजुल इस्लाम 2 ओवर में 1 मैडन ओवर डाल के 2 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं यहां पर श्रीलंका के बल्लेबाजों की। क्या पाकिस्तान जैसे मुकाबला जीती है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वैसे ही इस हश्र होने वाला है। सेकेंड इनिंग तो दोस्तों ये तो तय है कि बांग्लादेश को बल्लेबाजी का मौका मिलेगा, लेकिन श्रीलंका की बल्लेबाजी बहुत धारदार हो रही है। चौथा दिन में पता चल जाएगा क्या होता है। श्रीलंका की लीड 259 रनों की है, ये बहुत ज़्यादा रन होगा, क्योंकि अपनी फर्स्ट इनिंग में ही 251 बना पाई थी बांग्लादेश की पूरी टीम, तो 259 तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन श्रीलंका को बहुत कम रन पर अब यहाँ पर रोकना होगा बांग्लादेश के गेंदबाजों को। ये बहुत बड़ी चुनौती है इन सभी के लिए, अगर नहीं रोक पाई तो शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा दोस्तों दूसरे टेस्ट में। दूसरे टेस्ट में दोस्तों इतनी अगर शर्मनाक हार का सामना हुआ तो ये टीम पूरी तरीके से अंदर से हिल जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश देखा जाए तो इस समय अच्छा नहीं कर पा रही है बाकी किसी फॉर्मेट में भी, और इनको अच्छा करना होगा अगर इनको इस मैच में बने रहना है। इनके गेंदबाजों को कमाल करना होगा तभी ये जीत पाएगी दोस्तों। लेकिन पिछले अगर टेस्ट की बात करें तो दोस्तों पिछला टेस्ट तो बहुत अच्छा साबित हुआ था, जो इनका 21 से 25 अप्रैल के बीच खेला गया था वो तो बहुत अच्छा साबित हुआ था। वहाँ पर हमें देखने को मिला था मैच तो ड्रॉ साबित हो गया था, लेकिन इस मैच को ड्रॉ करा पाना बांग्लादेश की बस की बात लग नहीं रही, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं श्रीलंका के गेंदबाज वो बहुत धारदार है, और जिस प्रकार की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी श्रीलंका के गेंदबाज कर रहे हैं, हमने देखा 6 विकेट उस गेंदबाज ने चटकाई थी, वो और ज़्यादा कठिन बना देती है यहाँ पर श्रीलंका के सामने बांग्लादेश को खड़े रहने के लिए। लेकिन क्या ये मुकाबला ड्रॉ होगा या जीत होगी कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। श्रीलंका का देखा जाए तो बल्लेबाजी पक्ष फर्स्ट इनिंग में अच्छा रहा, गेंदबाजी भी अच्छी रही, लेकिन अभी यहां पर बात करें दोस्तों अभी तक के हुए मुकाबले की, तो यहां पर अच्छी खासी 17 गेंदों पर 17 रन पर ही 2 विकेट चटका दी है बांग्लादेश की। अगर देखा जाए तो 100 रन से कम में ही रोक देती है या 150 रन में ही कम में रोक देती है बांग्लादेश की गेंदबाजी श्रीलंका के बल्लेबाजों को, तो इनके पास जीतने का चांसेस रहेगा, क्योंकि 350 फिर चेस करने होंगे आखिरी दिन पर, वो आसानी से चेस कर सकते हैं। हमने कई बार कई मौके पर चेस करते हुए ऐसे रन देखे हैं, आप खुद देख लीजिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का गाबा का मैच, वहां पर चेस हुआ था, ऋषभ पंत की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। कुछ ऐसी ही उम्मीद इन मैचेस से करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन मैचों का नाम नहीं होता है आईपीएल के बीच, तो इन मैचों को याद भी नहीं करता है भारतीय फैंस, बाहर के ही देश इनको फॉलो करते हैं जो उनको ही प्यार देते हैं। अब देखना दिलचस्प है क्या करती है बांग्लादेश की टीम, क्या करती है बांग्लादेश के सामने श्रीलंका की टीम, क्या आसान से जीत दर्ज करेगी या मैच भी फिर ड्रॉ होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।